नागपाल जी आप प्रवक्ता हैं बीमार में, एक ऑडियो वायरल हो रही है जो मध्य प्रदेश की ऑडियो है, क्या लग रहा है उसमें, कितनी सच्चाई है उस ऑडियो में? वो ऑडियो लगभग मेरे पास में चुनाव से पहले आ गया। हाँ, चुनाव के पहले की ऑडियो, वो जिस दिन शायद इन लोगों की बात हुई थी, बाईस मौर्य और इन लोगों की, प्रदीप अहिरवार मौर्य की, तो उसके दो एक दिन के अंदर ही मेरे पास वो ऑडियो आ गया था, मैंने सुना था। उसमें जो दो पक्ष बात कर रहे हैं उसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारी चंद्र अगर भले एक वाक्य में मैं बात करूँ तो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कांग्रेस के जो कमलनाथ जी उनसे बात हो गई है, वो एक रैली में चंद्रशेखर के लिए 20 लाख रुपए देने की बात उसमें स्वीकार कर हर एक रैली कि जितनी रैली होंगे 6-7 रैली होंगी तो उतना पैसा वो कांग्रेस लेने के लिए तैयार होगी। तो उसमें चंद्रशेखर से क्या उनकी बातचीत हुई थी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है, क्या चंद्रशेखर के कहने पर वो चीज़ सारी बातें हुई थी ये भी स्पष्ट नहीं है, या वो सारी चीज़ें हवा में थी। भाई वो लोग अगर इस तरीके की बातें, दो लोग आपस में इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो किसके कहने पे कर रहे हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरा ये है कि जो लोग ये ऑडियो जब वायरल हुआ है बड़ी तेज़ी से, अब पिछले 4-5 दिन में जब से संजीव माथुर ने इसको वायरल किया है तो ज़्यादा वायरल हुआ है, तो इसमें चंद्रशेखर को मुझे लगता है कि आजकल तो वो खुद ही टीवी डिबेट में भी जा रहे हैं, प्रवक्ता कोई नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जा रहा, दद्दू प्रसाद जी भी नहीं जा रहे हैं, पहले हम लोग जा रहे थे, तो आजकल चंद्रशेखर खुद टीवी डिबेट में जा रहे हैं तो लाइव भी आते हैं वो, तो उनको इस बात पर मैं समझता हूँ कि अपनी राय रखनी चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्योंकि यूथ जो है वो कहीं ना कहीं उनके पीछे बड़ी उम्मीद के साथ में आया था और उसकी उम्मीद जो है वो धूमिल हो रही है, और हम नहीं चाहते कि समाज का जो युवा वर्ग है वो अपने आप को ठगा महसूस कर सकता। नागपाल जी जो प्रदीप अहिरवाल हैं या IAS मौर्य हैं, ये कितने करीब हैं, कितने करीबी हैं चंद्रशेखर? मुझे जितना पता है कि ये लोग जो मध्य प्रदेश में रैलियाँ हुई थी उसके सूत्रधार जो थे वो यही लोग थे, और जो ग्वालियर के फूलबाग मैदान में रैली हुई थी उसमें भी मौर्य जो है वो बड़े सक्रिय थे, तो उनका बड़ा चंद्रशेखर जी के साथ में नज़दीकी रही। नहीं, उस ऑडियो में कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा कि जहाँ जहाँ BSP का वोट है उस वोट को काट के कांग्रेस की तरफ मोड़ा जाए, कांग्रेस को उसमें, तो उस ऑडियो में तो यही बात कहने की कोशिश की जा रही है दोनों पक्षों में कि उसको काट करके कैसे जो है वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र किया जाए। तो वो तो क्या जो मायावती पहले से कहती रही हैं कि ये एजेंट है BJP कांग्रेस का, क्या वो बात सही लगती है? मायावती जी पहले खुद तय कर लें कि वो कहना क्या चाह रही हैं। मायावती जी, क्योंकि मैं मायावती जी की भी नीतियों से ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मैं भी अक्सर उनका विरोध करता हूँ, मेरा जो स्पष्ट कहना है कि चंद्रशेखर गलत है या सही है, चंद्रशेखर अगर मैं मान भी लूँ कि गलत हुआ तो चंद्रशेखर गलत इसलिए भी हुआ क्योंकि उसको उसके बड़ों का सहारा नहीं मिला। चंद्रशेखर जब निकल करके आया तो बहन जी को चाहिए था, उसको बुलाती, उसको पुचकारती, उसको सही रास्ते पर लेकर के चलती, जिग्नेश मेवानी आया उसको पुचकार के चलती, RSS और BJP ने क्या कहा? नहीं, बहन जी ने क्या कहा, बहन जी ने ये कहा था कि अब चंद्रशेखर आए अपनी भीम आर्मी को बंद करें और बसपा में आकर के बूथ लेवल पर काम करें, तो ये बात तो आकाश आनंद पर भी लागू होती है। चंद्रशेखर जो पिछले 5-6 साल से संगठन चला रहा है जिसके पीछे लाखों यूथ खड़ा है, वो तो आकर के बसपा में काम करेगा अपना उस पर बूथ लेवल पर, और उनका भतीजा जो लंदन और अमेरिका से पढ़ करके आया जिसे मूवमेंट की ABCD पता नहीं है, जो हाथ में लाल धागा बांधता वो सीधा करके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनेगा। तो ये अगर आप मतलब ये आप नियम बना रहे हैं तो फिर चंद्रशेखर और वो क्या, चंद्रशेखर ने बुआ कह दी तो आफत आ गई, पर वो आकाश आनंद मन से बुआ बोल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बुआ तो जब बुआ शब्द ही नहीं, आपने कभी अखिलेश यादव जी को सुना होगा, वो कभी नेताजी को पापा जी नहीं कहते, नेताजी को नेताजी कहते, क्योंकि नेताजी सम्मानित शब्द है। तो ये पहले बहन जी भी खुद अपने आप में झांक करके देख लें, वो भी तय कर लें कि भाई हम लोगों को करना क्या है, हम लोग समाज को साथ लेकर के चलेंगे, तो चंद्रशेखर में अगर कुछ गलती है तो आप बड़े हैं परिवार के, आप उसको सुधार सकते थे। क्या लग रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं नागपाल जी की भीम आर्मी पार्टी बनाने जा रही है, अभी आप सब साथियों के माध्यम से ये बात, अभी मैं बाहर भी था हॉल में, वहाँ भी कुछ लोगों ने बताया कि कोई पार्टी बनने जा रही है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी है नहीं। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है, पार्टी बनती है, तो आप ये समझ लें कि अगर चंद्रशेखर या चंद्रशेखर के आसपास जो आजकल लोग घूम रहे हैं वो लोग अगर इस काम को अंजाम देते हैं और ये क्या है मतलब पार्टी बनाने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा घातक परिणाम होगा समाज के लिए भी और चंद्रशेखर के लिए खुद के लिए भी, क्योंकि मैं समझता हूँ बसपा को छोड़ करके जितने लोग आज तक गए लगभग 119 संगठन बसपा को हटा करके बने, वो सबके सब फेल है। बामन मेसराम जैसा व्यक्ति जिसको सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं, राजनीतिक रूप से वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे कारण जब हमने मैं खुद अगर बताऊं, मैंने खुद जाकर के बसपा के राष्ट्रीय कार्यालय पर विरोध किया, तो हमारे KNDTV के पत्रकार साथी हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा शुक्ला जी ने कि भाई राहुल जी आपको अगर बसपा से प्रॉब्लम तो आप अपना संगठन अलग बना लो, तो मैंने उनको कहा अलग क्यों बना लो,
जिन लोगों ने अलग बनाया वही सफल नहीं हुआ, हम अलग क्यों बना लें? बसपा जितनी बहन कुमारी मायावती जी की उतनी हमारी है, जितनी आकाश की उससे ज़्यादा हमारी है। हमने तो लटकाए, हमने तो झंडे गाए, हमने तो दड़ियाँ बिछाई, हमने तो बाप की कुर्बानी दी, हमने तो ज़मीनें बेची। तो बहन जी की बसपा नहीं है, बसपा उस तमाम वोटर्स की है जो करोड़ों आदमी बसपा के साथ खड़ा है। तो हम, हमारा घर है बसपा, हम दरवाजे पर खड़े होकर के घर में कुछ गलत हो रहा है तो शोर मचाएंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अलग संगठन बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जिसका हम विरोध पहले भी करते रहे। और अगर इन फ्यूचर चंद्रशेखर या भीम आर्मी कोई भी राजनीतिक संगठन मजबूत को बनाते हैं तो हम उसका भी मतलब विरोध करेंगे। क्या अगर पार्टी बन जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी पार्टी का होगा? किसी का नुकसान नहीं होगा, बसपा के पास में अपना वोट है, लोगों को पता है, क्योंकि जो लोग बहन जी को छोड़ करके और बसपा को छोड़ करके गए वही कामयाब नहीं हो पाए। तो ये क्या कामयाब, ये क्या गारंटी है लोग काम, मुद्दा क्या है भाई? आपके पास विजन क्या है? आप लोगों को नया क्या परोसोगे? बसपा भी अपने महापुरुषों की बात कर रही है, 2500 साल तक के जो हमारे महापुरुषों की बात कर रही है, आप भी वही बात करोगे तो फिर तो बसपा बेहतर है। बसपा के पास में हर 36 स्टेट है, 36 के 36 स्टेट में ऑफिस है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऑफिस है। बसपा के पास में 350 अपने व्हीकल हैं, 4-व्हीलर हैं, बसपा के पास में 1000 करोड़ का फंड है। तो बसपा एक बना बनाया बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उसके सामने आप झोपड़ी डाल करके बिल्डिंग को चैलेंज करोगे तो वो इतना आसान नहीं है। हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि बसपा में कुछ गलतियाँ हैं, बहन जी के बहन जी को सुधार की ज़रूरत है। बहन जी जब तक सुधार नहीं करेंगे हम उसका विरोध करेंगे। और मैंने तो कहा था भीम आर्मी के कई साथियों से कहा था कि जब बसपा में परिवारवाद आया तो हम 7 लोगों ने उसका विरोध किया। तो मैंने तो कहा कि आप आइए ना, आपको आपका स्वागत है, आप आइए आकर के अपना विरोध दर्ज कराइए। आप अगर सही माने में बसपा में सुधार चाहते हो तो चलिए बसपा का घेराव करिए, बहन जी को मजबूर करिए अपने।